कराची में खस्ता हाल इमारतें मौत की अलामत बन गई। खड्डा मार्केट में इमारत गिरने से हलाकतें छह हो गईं। मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली गईं। आज 3 मर्दों और 2 खवातीन की लाश मलबे से निकाली गई, जबकि इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। मलबे तले मुतादिद अफराद मौजूद हो सकते हैं, अहले इलाका का खदशा। हम लोग का घर, हम लोग की सब चीजें, हर चीज चली गई। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बच्चियों को लेकर, हम लोग को बोलते रोड पे बैठो, होलों में बैठो, कहाँ से बच्चियों को लेकर हम बच्चों को कैसे छोड़ सकते? हमारे बिल्डिंग के कितने चौक के जवान बच्चे मर गए, कितनी औरतें मर गई, अभी तक लाशें नहीं निकली है। रात को भी मामला ठंडा करके रख दिया। कहाँ जाऊँ मैं भी, बेटियों को, बच्चों को छोड़ के जाऊँ कहाँ मैं? हमारे तो ऐसी हालत, सारे सामान को छोड़ा, घर को छोड़ा, 3-3 कपड़े से निकल आए। बार सर छुपाने का ठिकाना भी छिन गया। खंडा मार्केट की रिहायशी इमारत गिरने से कई खानदान बेघर हो गए। 20 साल से इसी बिल्डिंग में रह रहे थे, गरीब लोग हैं। अब बच्चों बुजुर्गों को लेकर कहां जाएं? मुतासरीन की दुहाइयां। उधर इमारत गिरने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट का हफ्ता इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस। कोरोना बहरान में हमें कोई कौमी एकजहती और पॉलिसी नजर नहीं आ रही। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को तहफ्फुज़ हासिल नहीं होगा। चीफ जस्टिस के कोरोना अस्खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से भी तजावुज कर गई। मजीद 4,728 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 1,03,671 हो गई। 67,249 मरीज जेरे इलाज। 65 नई हलाकतों से जाबहक अफराद की तादाद 2,067 तक जा पहुंची। 34,355 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना ने सियासी सफों में भी हलचल मचा दी। सावक वजीर आजम शाहिद खाका नवासी और वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कोरोना से मुतासर। दोनों ने खुद को घरों में करंटीना कर लिया। शेख रशीद कहते हैं कि बसाहिर मुझ में कोरोना की कोई अलामत नहीं। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। बलोचिस्तान के साबिक मुशीर सनत सरदार दर मोहम्मद नासिर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। PID के 4 मजीद मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रीडर और जस्टिस फियाज जिंदरान के सेक्रेटरी भी कोरोना से मुतासर। उधर कोरोना में मुब्तला अदाकारा रुबीना अशरफ का इलाज जारी। कोरोना वायरस का उरूज जुलाई के आखिर या अगस्त में होगा, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोशिश है इन 2.5 महीनों में कोरोना को तेजी से फैलने से रोका जाए। लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव कम हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वेंटिलेटर्स के अलावा पाकिस्तान तमाम सामान खुद बना रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कोरोना जारी रहा तो हॉस्पिटल्स पर बोझ पड़ेगा। चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनना शुरू हो जाएंगे। चमन के करंटीना में सहूलतें न मिलने से एक बच्चा जांबहक। बच्चे की लाश बाहर ले जाने देने से इनकार पर करंटीना में मौजूद अफराद ने गेट तोड़ दिया। 250 से ज्यादा कोरोना के मुश्तबा मरीज फरार। जहांगीर तरीन और अलीम खान को नवाजा, लेकिन दोनों ने हमारे ही बंदे तोड़े। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं चीनी स्कैंडल में भी मोनिस इलाही का नाम जानबूझकर डाला गया। हमने कभी बदले की सियासत नहीं की, ना किसी इत्तेहादी को धोखा दिया। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। मुझे इमरान खान के कहने पर गिरफ्तार किया गया। एहसन इकबाल का इल्जाम, कहते हैं नैब झूठे गवाह पैदा करने के लिए काम कर रहा है। चीनी चोरों को बचाने के लिए उनके खिलाफ FIR तक नहीं काटी गई। हमने चीनी वाफर होने पर बरामद की इजाजत दी थी। इमरान खान ने किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी। टिड्डी दल चारों
सूबों में हजारों एकड़ पर फसलें चट कर गया। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 10, सिंध के 3 और पंजाब के 2 अजला में टिड्डी दल मौजूद। एनडीएमए ने 24 घंटे में 4,830 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल का सफाया किया। चीफ जस्टिस ने एनडीएमए से टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, एनडीएमए को मिलने वाले तमाम फंड्स का ऑडिट होगा। 4 माह से टिड्डी दल मौजूद है, 2 मरतबा अफजाइश कर चुका। तुर्की से स्प्रे के लिए जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। बलोचिस्तान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। 2 सीटों पर सिर्फ 1 मुसाफिर बिठाने की इजाजत। तमाम सवारों को मास्क पहनना लाजमी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने पर शहरी और ट्रांसपोर्टर्स दोनों खुश। पंजाब में बेकरीज और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खोली जा सकेंगी। चिकन और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद पुलिस पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इल्जाम लगाने वाली अमरीकी खातून सिंथिया रिच के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल ना कर सकी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का इजहार बरहमी। पुलिस को दोबारा नोटिस जारी। समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुतहरिक। वजारत खजाना के सामने धरना। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सदर सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोर कमेटी रहमान बाजवा का कहना है कि हुकूक पर समझौता नहीं होगा। तनख्वाहें ना बढ़ी तो 12 जून को डी चौक में धरना होगा। पेट्रोल सस्ता होने के 8 रोज बाद भी नाया। मुल्क में जारी पेट्रोल की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, गुजरांवाला समेत कई शहरों में आवाम पेट्रोल की तलाश में ख्वार। जलालपुर में आवाम ने एहतजाजन लोधरा रोड ब्लॉक कर दी। मैच फिक्सिंग स्कैंडल में सावे कप्तान सलीम मलिक ने अपना जवाब पीसीबी को जमा करा दिया। सलीम मलिक कहते हैं कि अदालतों ने क्लियर कर दिया, क्रिकेट बोर्ड में भी मामला हल होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर का ट्रांसक्रिप्ट की रिकॉर्डिंग भी फ्राहम करने का मुतालबा। कराची में खस्ता हाल इमारतें मौत की अलामत बन गई। खड्डा मार्केट में इमारत गिरने से हलाकतें 6 हो गईं। मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली गईं। आज 3 मर्दों और 2 खवातीन की लाश मलबे से निकाली गई, जबकि इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। मलबे तले मुतादिद अफराद मौजूद हो सकते हैं, अहले इलाका का खदशा। हम लोग का घर, हम लोग की सब चीजें, हर चीज चली गई। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बच्चियों को लेकर, हम लोग को बोलते रोड पे बैठो, होलों में बैठो। कहाँ से बच्चियों को लेकर, हम बच्चों को कैसे छोड़ सकते? हमारे बिल्डिंग के कितने चौक के जवान बच्चे मर गए, कितनी औरतें मर गई, अभी तक लाशें नहीं निकली है। रात को भी मामला ठंडा करके रख दिया। कहाँ जाऊँ मैं भी, बेटियों को, बच्चों को छोड़ के जाऊँ कहाँ मैं? हमारे तो ऐसी हाल है, सारे सामान को छोड़ा, घर को छोड़ा, 3-3 कपड़े से निकल आए। बार सर छुपाने का ठिकाना भी छिन गया। खंडा मार्केट की रिहायशी इमारत गिरने से कई खानदान बेघर हो गए। 20 साल से इसी बिल्डिंग में रह रहे थे, गरीब लोग हैं। अब बच्चों बुजुर्गों को लेकर कहां जाएं? मुतासरीन की दुहाइयां। उधर इमारत गिरने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट का हफ्ता और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस। कोरोना बहरान में हमें कोई कौमी एकजहती और पॉलिसी नजर नहीं आ रही। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को तहफ्फुज हासिल नहीं होगा। चीफ जस्टिस के कोरोना अस्खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से भी तजावुज कर गई। मजीद 4,728 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 1,03,671 हो गई। 67,249 मरीज जेरे इलाज। 65 नई हलाकतों से जाबहक अफराद की तादाद 2,067 तक जा पहुंची। 34,355 मरीज सेहतयाब भी हो चुके।
कोरोना ने सियासी सफों में भी हलचल मचा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाका नवासी और वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कोरोना से मुतासर। दोनों ने खुद को घरों में करंटीना कर लिया। शेख रशीद कहते हैं कि बसाहिर मुझ में कोरोना की कोई अलामत नहीं। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। बलोचिस्तान के साबिक मुशीर सनत सरदार दर मोहम्मद नासिर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पीआईडी के चार मजीद मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रीडर और जस्टिस फियाज जिंदरान के सेक्रेटरी भी कोरोना से मुतासर। उधर कोरोना में मुब्तला अदाकारा रुबीना अशरफ का इलाज जारी। कोरोना वायरस का उरूज जुलाई के आखिर या अगस्त में होगा, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोशिश है इन ढाई महीनों में कोरोना को तेजी से फैलने से रोका जाए। लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव कम हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वेंटिलेटर्स के अलावा पाकिस्तान तमाम सामान खुद बना रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं